हेलो दोस्तों, मैं हूं जेसन रवि और स्वागत है आपका समरी ऑफ सिनेमा में। दिवाली का सीजन है और बॉलीवुड ने हमें इस बार दिए और पटाखे नहीं धमाकेदार ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं। इस साल के दिवाली धमाके में हमारे पास है भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स जंप इनटू व्हाट मेक्स दीस फिल्म्स मस्ट वॉच इस फेस्टिव सीजन। पहले शुरुआत करते हैं भूल भुलैया 3 से। डायरेक्टर अनीस बज़मी इज बैक विद अ स्पूकी ट्विस्ट। सबको शॉक दिया है विद्या बालन ने एज शी इज बैक एज द आइकॉनिक मांजलिका, और अगर वो काफी नहीं है तो माधुरी दीक्षित भी आ रही है एज अ गोस्ट। ये कौन सी मल्टीवर्स मैडनेस है। ट्रेलर में स्टोरी ज्यादा रिवील नहीं की गई है, बट जो ग्लिम्सेस मिले हैं वो एकदम परफेक्ट मिक्स लग रहे हैं हॉरर और कॉमेडी के। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। और कार्तिक आर्यन और तृप्ति दिमरी की जोड़ी भी दिखेगी टोटल पैसा वसूल कॉम्बो। एडवांस बुकिंग में भी धमाका है। भूल भुलैया 3 के अब तक 1790 शोज शेड्यूल हो चुके हैं और पहले से ही 28,500 टिकट्स बिक चुकी है। पूरा 72 लाख का कलेक्शन हो गया है। रुहान, कहाँ जा रहे हो? अरे हमारी शादी होने वाली है रुहान, आओ ऊपर आओ। हाय। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक्शन किंग अजय देवगन की विद सिंघम अगेन। ये है रोहित शेट्टी का ढेर सारा एक्शन, बड़ा सा कॉप यूनिवर्स और मल्टी स्टारर धमाका। सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी है फुल पावर में यहाँ। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? बस इतना ही नहीं, रूमर है कि सलमान खान का भी कैमियो हो सकता है एज चुलबुल पांडे। फुल ऑन ब्लॉकबस्टर वाइब्स है ना। ये ट्रेलर भी ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का था और उसमें एक्शन और ड्रामा तो इतना भर दिया है कि एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक नहीं करना चाहिए। बजट है 250 से 300 करोड़ के बीच, मतलब शेट्टी सर फुल पावर में है इस बार। अब तक सिंघम अगेन ने सिलेक्टेड स्क्रीन्स पर ही 7.7 लाख का क्रॉस कलेक्शन किया है बुकिंग्स में, बट बाकी स्क्रीन्स पर रिलीज होते ही इसका भी धमाका एक्सपेक्टेड है। ये दोनों फिल्म्स 1 नवंबर को आ रही है और दोनों की ही बज लग रही है एकदम जबरदस्त। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी वैसे ही है जो इनकी पहले वाली फिल्म्स में था, मतलब जो वाइब्स फैन को पसंद आए थे वो मेंटेन्ड है। भूल भुलैया में हॉरर कॉमेडी का ट्विस्ट और सिंघम के हाई ऑक्टेन एक्शन, ये दिवाली तो पूरी ट्रीट होने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इन दिवाली ब्लॉकबस्टर्स के लिए, भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन? कौन से फिल्म्स के लिए ज्यादा हाइप है कमेंट्स में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी वॉचिंग।